बेचा ये जी बर्गर, ये सैंडविच लगेगा कूल्ड बीफ, कूल्ड बीफ कूल्ड, अच्छा पुल्ड बीफ, पुल्ड बीफ, पुल्ड बीफ सैंडविच। हाँ पीछे इसको सही तरह कर रखो ना, कट कर लो, कट कर लो। पहले ये भाई बताते हैं करना कैसे है, ट्रायंगल में इसको काटेंगे, डबल ट्रायंगल, ये ये अवैस भाई हैं और ये ऊपर चीज आ जाएगी इसके, चीज स्लाइस, और ये जाएगा अभी ओवन में। क्या ये टोस्टर? टोस्टर, ये टोस्टर में चला गया। कितनी देर तक इसको रखना है टोस्टर में? टाइम तो कोई है। अभी ये बाइट निकालने लगे हम इसको, और ये जो चीज है ये मेल्ट नहीं होती। अभी हम इसके ऊपर ये सराचा सॉस लगाएंगे, ठीक है, फुल ये जी ये सराचा सॉस है। ये जी रॉकेट लीफ है, इसकी भी लगी हुई है थोड़ी सी। हाँ इनको उतारना पड़ेगा। ये साइड से कट करो इसको, छमो लो कोई कितने आने। ये जी आ गया हमारा ये बीफ, पुल्ड बीफ, पुल्ड बीफ, ये हमारा पुल्ड बीफ। चिकन के जो जो चिकन है उसके नाम पे सैंडविच है, चिकन के नाम कुछ जो सैंडविच है ना पुल्ड बीफ सॉस की, सॉस के ऊपर है, और कुछ जो है ना इसके ऊपर है, ये पुल्ड बीफ इसके ऊपर जी हमने डाल दी है। ये अभी ये है जी बारबेक्यू अनियन, ठीक है, रेसिपी लिखी है लेकिन कर रहे हैं। और ये है आइसबर्ग, एक ही बात है यार, पहले ये डालो वो डालो कुछ टेस्ट में तो फर्क नहीं ना आएगा। अभी ये इसके ऊपर ऐसे आ रहा है, अभी राइट नाउ ये इसको हम कट करेंगे, ये टेढ़ा थोड़ा सा टेढ़ा रखो ऐसे, चलो ज़्यादा हो गया, नहीं नहीं बहुत है ये, चलो काटो बस। इसको इधर से दबाना है, उससे बाहर नहीं ना निकलता, आ तो गया। चलो ये है जी पुल्ड बीफ, पुल्ड बीफ सैंडविच। हमने तो टेक अवे देखा ना, ये डाइनिंग है, ये डाइनिंग, अभी ये दिखाना दादा। ये है जी पुल्ड बीफ डाइनिंग। चलो